वक्त अपने काम की वजह से हर तरफ छाए हुए हैं और काफी ज्यादा लाइमलाइट ग्रैब कर रहे हैं। उनकी नेक्स्ट फिल्म है शहजादा, जो रिलीज होगी 10 फरवरी को, और हम आपको बता दें एक्टर ने कल इस फिल्म को रैप भी कर दिया है। शहजादा फिल्म का आखिरी सॉन्ग शूट करते दिखे कृति सेनन और कार्तिक आर्यन, और इसी मौके पर इन दोनों ने रैपअप पार्टी भी इंजॉय की अपनी पूरी टीम के साथ। देखा जा सकता है सभी को यहाँ पर केक कट करते हुए, मनीषा कोइराला भी यहाँ पर मौजूद है। केक कट करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज कृति सेनन के लिए था कार्तिक आर्यन को केक खिलाना, और कृति के साथ बाकी टीम मेंबर्स ने भी मिलकर कार्तिक को केक खिलाया। बहुत ही ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं ये वीडियोस। कार्तिक और कृति की जोड़ी तो वैसे भी सभी की फेवरेट है। इन सभी स्टार्स को और इन सभी टीम मेंबर्स को एक साथ पोस्ट करते भी देखा गया। फिल्म के डायरेक्टर भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कार्तिक आर्यन की बात करें तो उन्होंने फिल्म की शूटिंग रैपअप होने के बाद सोशल मीडिया पर एक झलक दिखाई कि उन्हें किस तरह से चोटें लगी है। उन्होंने कहा कि उनके घुटनों में दर्द हो रहा है, इसलिए वो आइस बकेट चैलेंज ले रहे हैं 2023 का। उन्हें अपने पैरों की सिकाई करते देखा जा सकता है, उनके हाथ में बर्फ है, और सभी ये चीज नोटिस करने से नहीं चूके कि कार्तिक आर्यन को जितना भी पेन हो लेकिन उनका पाउट और उनका हेयर यहाँ पर एकदम परफेक्ट है एज यूजुअल। यहाँ तक कि उनके खुद के को-स्टार्स भी ये कहते नजर आए।